हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण जैन और मैं हूँ शीन एंड शाइन सॉल्यूशन से। और आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ क्या होता है और इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। तो दोस्तों, ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट क्लॉथ है जो मार्केट में मिलता है उससे। ये जो क्लॉथ है ये बहुत ही अलग टेक्निक से बना होता है। इस क्लॉथ में बहुत ही छोटे छोटे, हमारे बालों से भी कहीं ज़्यादा छोटे फाइबर्स होते हैं। एक स्क्वायर इंच में करीबन 1,00,000 फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये डर्ट पिक करता है और एब्जॉर्ब करता है चीज़ों। अगर देखा जाए इसकी एब्जॉर्बेंसी टेस्ट, अगर देखा जाए, मैं आगे आपको अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा, बट इट कैन एब्जॉर्ब अप टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। अगर ये 100 ग्राम का है तो 800 ग्राम पानी एब्जॉर्ब कर सकता है ये लोग। बहुत ही अमेजिंग क्लॉथ है, इसकी वजह से ये कार वॉशेज और कार क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरेबिलिटी से कहने का मतलब है कि बहुत बार ये रीयूजेबल होता है। हमारा जो शीन एंड शाइन का माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, गारंटी 300 टाइम्स वॉशेबल होता है। वैन से वॉशेबल इसका क्या मतलब है, सपोज़ अगर आपको अपनी गाड़ी साफ़ करनी है, आपने गाड़ी के ऊपर कुछ भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लगाए, वैक्स या शैम्पूज लगाए और उसके बाद आपने पूरी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से चमका दिया, वो एक वॉश काउंट होता है। उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए एंड देन दूसरी गाड़ी अपनी साफ़ कर दी है, वही गाड़ी को दोबारा, इस तरीके से 300 बार वॉशेबल है। दैट मीन्स कि अगर आप रोज़ अपनी गाड़ी साफ़ करते हैं तो एक साल एक कपड़ा चल जाता है, इतना ड्यूरेबल है कम्पेयर टू एनी अदर कॉटन या एनी अदर पॉलिएस्टर क्लॉथ, जो कि 10 बार ही शायद वॉश करते हैं, इससे ज़्यादा वॉश नहीं करते। श्रिंक नहीं होता ये, लिंट नहीं छोड़ता ये, और अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, गाड़ी पे कोई स्क्रैचेस नहीं छोड़ता, गाड़ी पे किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होता, ग्लास पे किसी तरीके का कोई डैमेज नहीं होता। बहुत ही ज़बरदस्त क्लॉथ है, अल्ट्रा सॉफ्ट, लिंट फ्री और बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट। इसके बारे में मैं इसके यूजेस के बारे में आपको बताता हूँ, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कार वॉश में यूज़ होता है, कार वॉश, कार क्लीनिंग यूज़ होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए घर के लिए, घर में हम जैसे क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं और क्लीनिंग करते हैं घर को, किचन में यूज़ होता है बहुत अच्छी तरीके से। बस गर्म चीज़ों में कहीं यूज़ नहीं होता, जैसे तवे पे नहीं आप इसको रख सकते हो या कहीं बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अदर देन दैट आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजीली वॉशेबल होता है। मैं इसके वॉशेबल के लिए एक और आपको वीडियो आप नहीं देख सकते हो, बट बहुत ही अच्छी तरह कैमरा क्लीन कर सकते हो इससे, आप इससे अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह क्लीन कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत अच्छी तरह डस्ट हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, घर पे क्लीन कर सकते हो, लेंस क्लीनिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा घर के लिए एज अ हैंड टॉवल या बॉडी टॉवल में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।